आज अनन्या का है, आज अनन्या के लिए सब निकले हुए हैं, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कुछ महिलाओं से। अनन्या के साथ जो भी घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है, और इस तरह की घटना लगातार बढ़ते जा रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। आज देखते हैं कि पूरा देश में अनन्या जैसा घटना दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ का प्रशासन, चाहे जहाँ कहीं का प्रशासन कहिए, चुप्पी साधे हुए है, इस पर कुछ आवाज़ नहीं उठा रही है। हम महिलाएं इसके काफ़ी दुखी हैं, और हम चाहते हैं कि अनन्या को जो घटी है घटना, हम इसका निंदा करते हुए इसके न्याय की मांग करते हैं। बताओ अनन्या का जो है इसका जो ये किया गया, वहाँ हम अपने माता पिता को छोड़ के कॉलेज स्कूल जाते हैं ये सोच के कि वहाँ हमें प्रोटेक्ट किया जाता है, पर ऐसा नहीं है। ये जो अभी अनन्या के साथ हुआ, अयोध्या को माना जाता है कि वो राम राज्य है, पर अब तो समझ ही नहीं आ रहा है कि राम राज्य है कि रावण राज्य है। ये जो हो रहा है, ऐसे अनन्या के साथ कितनी लड़कियाँ सेफ है, इसे तो देख के नहीं लगता कि अब लड़कियाँ सेफ है अपने घरों में भी बाहरों में भी। का कैसा एक छात्रा है, और वहाँ भी और कुल मिला के हमारे महिला कुश्तीगीरों के साथ भी जो हुआ, ये पूरे विश्व में भारत का, भारत को नतमस्तक कर दे रहा है, शर्मसार कर रहा है। हम इसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है देश में, इस देश में कोई बलात्कारी जो बीजेपी और आरएसएस के साथ है वो काबू में नहीं आएंगे। तमाम गेरुआधारी लोग बलात्कारियों के साथ हैं। एक रावण था गेरुआ वस्त्र पहन करके जिसने सीता का हरण किया, आज सारे बलात्कारियों ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है, और गेरुआ वस्त्रधारी जितना जोर से भारत माता की जय और जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आज वो रेपिस्टों का पहचान हो गया है। ये शर्म की बात है, और देख रहे हैं पूरा देश की हालत खराब है, जल जंगल जमीन सब लूटा जा रहा है, मजदूर का मजदूरी लूटा जा रहा है, और सिर्फ जय श्री राम भारत माता की जय का नारा लगाया जा रहा है। हम कल्पना लोक की दुनिया में जी रहे हैं, चल रहा है जी। ऐसा है कि झारखंड में भी ऐसा केसेस आया है जो कि बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, वो बहुत ऐसा गुमला वगैरह में बहुत है, दुमका वगैरह में, उसके बारे में क्या जी? वो भी गलत है, वो भी गलत है। हम किसी बलात्कार के समर्थन में नहीं है, हम लोग बलात्कारी जहाँ कर भी उसके खिलाफ है जी। इस तरह से अनन्या के साथ जो जघन्य घटना घटी है, इसके बारे में खिलाफ हमें यही कहना है कि जो घटना घटी है ये महिलाओं के साथ ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। वो तो एक बच्ची थी, और बच्ची के साथ इतना दर्दनाक घटना घटा है। हम लोग का भी बच्चा है, सब पूरे हिंदुस्तान का माँ बाप को दहशत पैदा हो गया है कि ऐसा घटना किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। आज वो बच्चे के साथ हुआ, हो सकता है कल मेरे बच्चे के साथ हुआ, हो सकता है किसी और बच्चे के साथ होगा। तो हाँ, इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में यही घटना घट रहा है, और किसी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय मिलना चाहिए। जो वहाँ पर जो दो टीचर बुलाए और अनन्या श्रीवास्तव को रेप किया, और एक महिला ही प्रिंसिपल थी, वही बुलाई थी, उसके बाद उठा कर उसको फेंक दिया गया, मार दिया गया। ओ, महिला के नाम पे कलंक है, वैसा महिला को तो जिंदा जला दिया जाए या फांसी दे दिया जाए। और जो भी मास्टर टीचर है, एक मास्टर के दामन पे दाग नहीं लगा है, पूरे स्कूल के मास्टर टीचर पे दामन पे दाग लगाया गया है। ये नहीं होना चाहिए जो ऐसा किया है, इसके लिए हम लोग पब्लिक कोई चुप नहीं रहेगा। सबका माँ बहन बेटी सब जाती है, सबकी बेटी बच जाती है, बच्चे लोग जाते हैं, हम लोग का भी कल है, हम लोग के साथ भी ऐसा होगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इस तरह का बीजेपी सरकार करवा रहा है, और वही पूरा तमाशा उसी का किया हुआ है। और हमारी जो बेटियां हैं, जिनकी बहनें हैं, आज जो इतने असुरक्षित महसूस कर रही हैं, मोदी के राज्य में लड़कियां एकदम असुरक्षित हो गई हैं। आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से मांग करते हैं कि एकदम फास्ट ट्रैक के द्वारा तुरंत सुनवाई हो, और जो बलात्कारी है उसको तत्काल फांसी की सजा दी जाए, उससे कम में हम लोग मानेंगे नहीं। पॉलिटिकल संरक्षण रहता ही है, बीजेपी के हो सकता है, बड़े बड़े नेताओं का उसको संरक्षण प्राप्त हो, उनके द्वारा भी वो हो सकता है स्कूल चलता हो, तो ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर करके और उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए, और
जो ये दुष्ट कर्म किए हैं उसे तत्काल ही उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दिल्ली में जो महिला खिलाड़ी महीनों से धरना पर बैठ रहे हैं और उनका आरोप है कि उसके जो खेल महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने यौन उत्पीड़न करने का काम किया, उसी तरह की घटना आप देखिए तो अयोध्या में यानी विद्यालय के अंदर में 16 वर्षीय छात्रा के साथ बलात्कार के बाद उसको फेंक करके हत्या कर दी गई। ये संदिग्ध हत्या, ये संदिग्ध शब्द क्या होता है? अरे यार, विद्यालय में बच्ची पढ़ने गए, विद्यालय के भरोसे बच्चों को वहां पर ले जाया जाता है और उनकी लाश मिलती है तो ये प्रबंधन को, ये स्कूल प्रबंधन को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर मौत क्यों हुई, आखिर मौत के जिम्मेदार कौन है। और खास करके आप देखिए तो अयोध्या जैसा नगरी जो राम राज का अद्भुत मॉडल है तो ये तो बड़ी एकदम समझ से परे है कि वहाँ राम राज चल रहा है कि रावण राज चल रहा है। रावण राज से भी बदतर राज है और ये कानून का राज जो अपने आप को कहते हैं कि हम गुंडों पर बुलडोजर चलाते हैं, हम योगी सरकार से भी जवाब लेना चाहते हैं कि बलात्कारियों के घरों में कब बुलडोजर चलेंगे, कब बलात्कारी जो है जेल के शिकंजों में बंद होंगे, कब महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले ब्रजभूषण है उसकी गिरफ्तारी होगी। अगर नहीं होता है तो वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वो बेटियों के पक्ष में नहीं बल्कि बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा है और देश की जनता मजदूर किसानों की ये ताकत ये आने वाले दिनों में ऐसे निकम्मी और बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी सरकार के खिलाफ पूरा एक तरह से आर पार की लड़ाई लड़ेगी। गुरेश्वर जी, ऐसा है कि झारखंड में भी कुछ ऐसा घटना देखा गया है जैसे गुमला हो दुमका हो बहुत ऐसा घटना कर रहे जैसे बच्चों के साथ हुआ है, उसके बारे में आप क्या? देखिए, बलात्कार की घटनाओं से झारखंड अछूता नहीं, सवाल है कि कुछ घटनाओं को ज्यादा तुल दे दिया जाता है और वो धर्म के आधार पर जाति के आधार पर तो भाई ये बलात्कार और अपराध को हम तोल नहीं सकते हैं। बलात्कारी चाहे जिस धर्म जिस जाति के हो उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए और राज के अंदर में भी जो लड़कियां सुरक्षित है जो पढ़ाई करने नहीं जा पा रही है जिस तरह से हत्या और जो है बलात्कार की घटनाएं हो रही है, हम राज्य सरकार से भी ये मांग करेंगे कि ये विधि व्यवस्था को ख्याल करते हुए यानी इस चीज को ठीक किया जाए ताकि अपराधी खुलेआम नहीं बेटियां खुलेआम घूम सके और कम से कम राज्य में एक बेहतर माहौल बन सके, इसकी भी हम मांग हेमंत सरकार जी से करेंगे। फिर इंटक हो सब लोगों ने आज अनन्या के बलात्कार जो हुआ अनन्या के अयोध्या में उसके खिलाफ सब ने आवाज उठाई है और पहलवान के खिलाफ जो पहलवानों के साथ हो रहा है इसमें आवाज उठाई, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि एक 15 साल की बच्ची अनन्या वो टीचर बुलाए या प्रिंसिपल बुलाती है बुला करके कोई कार्य के कोई कोर्स का काम के लेके उसके बाद दो खेल का जो टीचर है खेल जो शिक्षक है वो और जो वहाँ का प्रबंधक है दोनों मिलकर उस 15 साल की बच्ची से रेप करता है, रेप करने के बाद ऊपर से उठा के फेंक कर जान मार देता है, ये कहाँ का ये है? ये इस तरह से जगन्नाथ वो भी बुजुर्ग बुजुर्ग क्या उनकी बेटियाँ नहीं हो बेटी भी होगी अनन्या जैसा ही होगी 15 साल की बच्ची, बताइए उस मासूम पर क्या गुजरता होगा। इसी संबंध में आज बात हुआ सुबोध कांत सहाय जी जो हैं उनसे भी बात हुआ, सुबोध कांत जी बोले कुछ कार्यक्रम के चलते वो दिल्ली गए लेकिन वो उन्होंने अपना मैसेज छोड़ा है, मैं इसके बाद उनका देखिए उन्होंने क्या बताया है सुबोध कांत जी। मूल तौर पे लड़कियों पे इतना अत्याचार की सीमा पार कर गई है और अगर देखने को मिल रहा है कि लोग आज के दिन में एकदम जानवर की तरह हो गए हैं, अनन्या श्रीवास्तव की भी जो प्रयागराज की घटना है उससे अपने आप को मैं जोड़ता हूँ तो लगता है कि अब एक तरफ सरकार ये ढोंगी के तौर पे लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ तो लड़की को तो बचाने का नहीं क्योंकि ये तो दरिंदों को बचा रहा है सरकार के लोग, अगर उनके साथ जुड़े हुए हैं तो वो सारा उसके लिए कुकर्म सरकार करने को तैयार है। आप देखिए देश के सारे मेडल पाने वाले जो पहलवान है या रेसलर है स्पोर्ट्स पर्सन है वो तमाम लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है और वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है गलत तरीका हुआ है हमारे साथ बलात्कार हुआ है और उसके बाद भी जांच करा रही सर वो पुलिस नहीं जांच कर रही है इनके सरकार के लोग जांच करा रहे हैं उसमें। ऐसा स्थिति में और दिल्ली की जो घटना अगर देखी आज जो हुई है वो साक्षी की
तो ये तमाम चीजें देख करके लगता है कि सरकार जब हिंसा को जस्टिफाई करेगा, सरकार जब हिंसा को मान्यता देगा, बलात्कारियों को बचाएगा, तो निश्चित तौर पे मासूम जो है वो विक्टिम हो रहे हैं, उनको न्याय कौन देगा? ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी चाहिए।